चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सभी लोग नोट्स बनाते जाएंगे, सभी लोग नोट्स बनाते जाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए, इसमें सबसे पहले सीखेंगे हम लोग इसका परिभाषा, डिफिनेशन, डिफिनेशन। परिभाषा डिफिनेशन, ठीक रहा है सबको? आवाज जा रहा है? तो हम लोग परिभाषा में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा क्या सीखेंगे? जब प्रकाश की किरणें, ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है? अभिलंब से मुड़ जाती है। किससे मुड़ जाती है? अभिलंब से। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी लिखना नहीं है, समझना है थोड़ा सा। हमने बोला कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ध्यान से देखो, रिपोर्ट कर, प्रकाश की किरणें, ये है तुम्हारा बाउंड्री लेवल, क्या है ये? बाउंड्री लेवल, सतह, पारदर्शी सतह, पारदर्शी सतह। प्रकाश आ रही है, अब ये क्या होता है? इस अभिलंब से मुड़ जाती है, या तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर। इसका माध्यम अलग है, ये माध्यम अलग है, ना? ये हो गया माध्यम एक और ये हो गया माध्यम दो। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आवाज जा रहा है जी? इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब लिखाते हैं, तो लिखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो किरणें क्या होती है बोलो? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मुड़ने की इस घटना को, मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देख लिए? ठीक है, बना तो बना सकता है, बनाना है तो बना सकते हैं। डिजाइन जिनको ड्रॉ करना है कर सकते हैं। समझ में आया? लिख लिए सबको? आगे बढ़े जी। हाँ,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम प्रकाश के अपवर्तन के नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तुम लोग अपना माइक बंद कर लो, तुम लोग अपना माइक सब बंद कर लीजिए। सुन रहे हैं, अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए, माइक बंद करो। कौन है जी? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए इसके निम्नलिखित नियम है, इसके निम्नलिखित नियम है। पहला लिखिए फर्स्ट में, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु के, तीनों एक ही तल में रखे होते हैं। तीनों एक ही बिंदु के एक ही तल में रखे होते हैं। आवाज आ रहा है जी? कौन लड़का है? आवाज आ रहा है? माइक बंद करो। चलिए नेक्स्ट लिखिए दूसरा, इसी में नियम में लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल एवं तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की चाल एवं तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है, परंतु परंतु प्रकाश की आवृत्ति, अब ब्रैकेट में कर दीजिए कलर, प्रकाश की आवृत्ति ब्रैकेट में कर दीजिए कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बोलिए किसी को डाउट है? अगला लिखिए नेक्स्ट,
तीसरा नंबर, तीसरा नंबर लिखिए, लिखिए आपतन कोण एवं अपवर्तनांक का गुणनफल, आपतन कोण एवं अपवर्तनांक का गुणनफल अपवर्तनांक का गुणनफल एक स्थिर राशि होती है, एक स्थिर राशि होती है, ठीक है। आपतन कोण एवं अपवर्तनांक का गुणनफल हमेशा एक स्थिर राशि होती है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। लिखिए, लिखिएगा अर्थात, अर्थात न्यू इंटू साइन आई बराबर स्थिरांक, और म्यू को बोलते हैं अपवर्तनांक, जहां म्यू बराबर अपवर्तनांक, और साइन आई समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं आपतन कोण, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। रुकने के देखिए जी, चलिए तो क्या हो जाएगा, देखो तो अगर दो मीडियम रहा तो म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इसी को क्या बोलते हम लोग, स्नेल्स लॉ। देख लीजिए, म्यू इंटू साइन आई बराबर स्थिरांक, जहां म्यू अपवर्तनांक, साइन आई को कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन आई को कहते हैं आपतन कोण, ठीक है, जहां म्यू अपवर्तनांक, तो म्यू वन दो को रहेगा, तो म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। ये था लॉ, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, हो गया। हो गया जी, सर एक बनाने हैं दो और एक हम याद करेंगे तो बाद में, बात तो है चलो टेंशन नहीं,
निकलिया दूसरा का प्रूफ करना प्रूफ नहीं है अभी हम कैसे करेंगे बताइए बता दें प्रूफ कर लो सही है फॉर्मूला सही है फॉर्मूला संभव पता सही है प्रूफ करना है लिखिए आगे दो एप्लीकेशन बाकी है ठीक है वो याद कर लीजिएगा और उसके बाद जो है पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद ठीक है और दोनों एप्लीकेशन दोनों में तब याद करना ठीक है चलो जी आगे लिखो तुम लोग अश्लील का नियम लिया अब लिखो अश्लील के नियम के अनुप्रयोग 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 आवाज जा रहा है जी आवाज जा रहा है ठीक है अश्लील के नियम का अनुप्रयोग पहला पहला लिखो यदि प्रकाश की किरणें पहला हम लिखिए यदि प्रकाश की किरणें एक माध्यम सॉरी यदि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है यदि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अश्लील के नियम से तो अश्लील के नियम से वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है इधर मुड़ जाती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है लिखे अर्थात लिखिएगा म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर इसलिए साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू वन बटे म्यू टू अब म्यू वन हो गया तुम्हारा विरल माध्यम और म्यू टू हो गया तुम्हारा सघन माध्यम दोनों पे हम बैठा था इसलिए साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू आर बटे म्यू डी अब इसका मान होता है लेस देन वन इधर होता है बोलो तो लेस देन वन यानी कि हो गया साइन आई है ना लेस देन वन का मतलब हो गया कि साइन आई का मान किससे बड़ा हो गया साइन आर से यानी एंगल आई बड़ा हो गया एंगल आर से यही तुम्हारा है ये अभिलंब हो गया ये प्रकाश किरणें हो गई ये आई है ये तुम्हारा किरण माध्यम बोला है आई है और ये हो गया सघन माध्यम
किरल सघन आया तो अभिलंब क्यों मुड़ जाएगा, किधर पर मुड़ जाएगा अभिलंब, क्यों? आर का मान छोटा हो गया, आई का मान बड़ा हो गया। लिख लो, सबको लिख लीजिए, तो लिखिएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लिख लीजिए, चलिए सेकंड लिखिए, यदि प्रकाश की किरणें, हो गया जी, हो गया तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे, हो गया। चलिए सेकंड नंबर में लिखिए, यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, अर्थात देखो यहाँ पर ध्यान, तब क्या हो जाएगा, लिखेंगे अश्लेष के नियम से, न्यूटन साइन आई बराबर न्यूटन साइन आ, इसीलिए साइन आई बटे साइन आ बराबर म्यू टू बटे म्यू वन। अब किसमें किससे जा रही है बोलो, सघन माध्यम से विरल माध्यम, म्यू वन हो गया म्यू टी, और म्यू टू क्या हो गया म्यू वन, ये साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू पर एनजी हो गया म्यू आर बटे न्यू डी, आना आई होगा हमेशा लेस देन वन, इसलिए साइन आई लेस देन साइन आर, इसलिए आई लेस देन आर। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए, नीचे है सघन माध्यम और ऊपर है विरल माध्यम, देखो लाइट यहां जा रहा है, बुझ जाएगा, ये आई हो गया और ये हो गया, बना लो, ठीक है, आपको इस तरह दिक्कत है तो पूछो। नहीं दिख रहा है, लो दिख रहा है,
दिख रहा है जी? नीचे है सघन माध्यम, ऊपर है विरल माध्यम। नीचे से लाइट जा रहा है ऊपर की ओर। आप तीन को हो गया जी, सब भाग गया जी। दो तीन को पढ़िएगा, क्या फायदा होगा? दो तीन को पढ़िए, क्या फायदा होगा? फिर तो भूलेगा, तो फिर सब यही बात बोलिए, फिर से पढ़ाई सब कुछ समझ में आया नहीं, कैसे बोलेगी? तीन को पढ़ी, तीने को है मेरे पास विद्यार्थी। कम से कम 100 बच्चा रहती तो कोई बात था कि चलो ठीक है। मैक्सिमम दिया है, मिनिमम दिया है। सब इंतजार में है। 1 तारीख से वैक्सीन पड़ेगा नहीं जी? 1 तारीख से वैक्सीन पड़ेगा। अब 5 तारीख से वैक्सीन पड़ रहा है। हाँ, सब वैक्सीन लेके आना। सब वैक्सीन लेने के बाद दो वैक्सीन ले लेना तो सेफ हो जाएगी, कुछ ना होगा। हाँ, हम ले लिए। तो बच्चा ने क्या बुला लेगा? हाँ, बच्चा में बच्चा है। हाँ, तुम तो अभी और लिख से पी रही है। चलिए, हो गया? हाँ, चलो लिखो आगे। डबल एरो दो, ऐसे करो BBI। हम क्या करेंगे, खुलेगा तो वहीं से पढ़ाएंगे, जहां तक पढ़ा देंगे ना वहां बात पढ़ाएंगे। रुक जाओ, देखने दो और कोई आया है क्या।